आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें, तो अलविदा जनरल रावत, देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को शुक्रवार को 17 तोपों की सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली छावनी के ब्राड स्क्वायर में सैन्य सम्मान के साथ जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार किया गया। रावत दंपति को उनकी बेटियों कृतिका और तारिणी ने मुखाग्नि दी। विपक्ष ने किया वॉकआउट, दूसरे दिन बेरोजगारी पर हुआ हंगामा। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को विपक्ष ने रोजगार के प्रश्न पर सरकार के जवाब से नाराज होकर सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर कर्मचारियों, कानून व्यवस्था और नंदा गौरा योजना के मुद्दे पर खूब हंगामा काटा और सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी के प्रश्न पर रोजगार के आंकड़ों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने अल्पसूचित प्रश्न में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, तो मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश का 88% बजट नॉन प्लान पर खर्च हो रहा है, जबकि 12% बजट ही विकास पर खर्च किया जा रहा है। सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, इसके लिए स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। CM के PRO के नाम से अफसरों को लिखा पत्र, चालान निरस्त करें। तो मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी PRO का SP और ARTO को 3 वाहनों का चालान निरस्त करने के संबंधी एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पत्र में उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री ने इसके मौखिक आदेश दिए हैं। लकड़ी बिनने गई महिला को तेंदुए ने मार डाला। तो सितारगंज नानक मत से खबर आई है, रसाली वन क्षेत्र में लकड़ी बिनने गई एक महिला का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। महिला के गले में गहरे घावों और मौके पर उसे घसीट कर ले जाने के निशान से वन क्षेत्र अधिकारी ने तेंदुए के हमले में महिला की मौत की आशंका जताई है। 1353 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1353 करोड़ 79,08,000 का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। कर्मचारियों की पदोन्नति 15 दिन में करने के निर्देश। सुशासन ने 15 दिन के भीतर शिथिलीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं। पासिंग आउट परेड आज होगी। राष्ट्रपति कोविंद दून पहुंचे। तो भारतीय सैन्य अकेदमी में POP के साथ ही आज भारतीय थल सेना को 319 जांबाज की टोली मिल जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की समीक्षा कर पास आउट हो रहे जेंटलमैन कैडेटों को सलामी देंगे। विधायक महेश नेगी पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि नहीं। तो यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे द्वारा हाट के भाजपा विधायक महेश नेगी की ओर से DNA टेस्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। अदालत के आदेश पर की गई जांच अधिकारी की ओर से पेश अंतिम रिपोर्ट के मद्देनजर कोर्ट ने याचिका निपटा दी। आज रात 5 घंटे बंद रहेगी SBI की ऑनलाइन सेवाएं। तो SBI की ऑनलाइन सेवाएं शनिवार रात 11:30 बजे से रविवार सुबह 4:30 बजे तक 5 घंटे बंद रहेगी। SBI ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि IT सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। इस दौरान ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट, UPI मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ का लाभ नहीं उठा सकते। जूनियर इंजीनियरों के क्षेत्र पदों पर होगी भर्ती। तो प्रदेश में उत्तराखंड जल विद्युत निगम एवं अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण सहित विभिन्न निगमों में जूनियर इंजीनियरों के क्षेत्र पदों पर भर्ती होगी। भर्ती उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। आयोग की ओर से 15 दिसंबर से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी तय की गई है। आयोग की ओर से बताया गया कि भर्ती के लिए जूनियर इंजीनियरिंग के जल विद्युत निगम में 25 पद, पावर ट्रांसमिशन विभाग में 5, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण में 10, जल विद्युत निगम में 15, जल विद्युत निगम यांत्रिक में 10 एवं पर्यावरण संरक्षक एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 11 पद हैं। आज शनिवार को भी खुला रहेगा सचिवालय। तो सचिवालय के समस्त कार्यालय आज शनिवार को भी खुले रहेंगे।
सीमाओं से आज घर लौटेंगे किसान। तो केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर से प्रदर्शन कर रहे किसान शनिवार से दिल्ली की सीमाओं से लौटना शुरू हो जाएंगे। कानून व्यवस्था पर हंगामा, विपक्ष ने वॉकआउट किया। तो शीत सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों पर हमले को लेकर सरकार को घिरा। गोल्डन कार्ड योजना का नहीं मिल रहा लाभ, तो सदन में विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के तहत गोल्डन कार्ड का लाभ न मिलने का विषय उठाया। उपनल भर्ती में मार्च 2022 तक आरक्षण, तो राज्य में उपनल के जरिए होने वाली भर्तियों में केवल मार्च 2022 तक ही आरक्षण लागू होगा, इसके बाद आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहेगी। शुक्रवार को सदन में प्रश्नकाल में झवरेड़ा विधायक देश राज कर्णवाल के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री दफ्तर में वाहनों का चालान निरस्त कराने का मामला सदन में गूंजा, तो कांग्रेस ने वाहनों के चालान सीएम सदर से निरस्त कराने के पत्र वायरल होने पर सदन में यह मुद्दा उठाया। उपनेता सदन करण महारा ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के काम में दखल दे रही है। 3 पेंशन ले रहे लोगों को क्या पता बेरोजगारों का दर्द, तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन बेहद गर्माहट भरा रहा। रोजगार, राशन कार्ड, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी तकरार के बीच कई मौके ऐसे भी आए जब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ चरम पर पहुंच गए, तो कई बार ठहाके भी गुजे। सरकार की ओर से पहले श्रम मंत्री हरक सिंह विपक्ष से जूझते रहे, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री बंसीधर भगत अंत तक डटे रहे। विपक्ष में निजामुद्दीन ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप तो 3-3 पेंशन लेते हो, रोजगार के आंकड़ों पर खुद को घिरता देख हरक ने कहा कि सभी को रोजगार देना मुश्किल है। मैं खुद खेती करता हूं, सत्र में आने से पहले बगीचे में था, गांव में आंवले के पेड़ लगाए हैं, मुझे तो 3-3 पेंशन मिलती है, मेरी पत्नी प्रिंसिपल है, फिर भी काम करता हूं। धारचूला विधायक हरीश धामी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि आपको तो 3-3 पेंशन मिल रही है, आपको बेरोजगारों की चिंता क्यों होगी। उत्तराखंड ने सैन्य अफसर देने में बड़े राज्यों को पछाड़ा, तो उत्तराखंड के जाबाज CDS विपिन रावत को खोने के गम के बीच राज्य के युवाओं ने गर्व से सीना चौड़ा करने वाली खबर दी है। कई बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए इस बार उत्तराखंड सेना को अफसर देने में अव्वल रहा। IMA से पास आउट होने वाले कैडेटों में UP के बाद उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। उत्तराखंड के कर्मचारी को 15 दिन में प्रमोशन, तो सरकार ने सभी विभागों में 15 दिन के भीतर कर्मचारियों के प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। रुड़की के डॉक्टर से रंगदारी मांगी, तो देहरादून के सुद्धोवाला जेल में बंद कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि के नाम से 3 डॉक्टरों से लाखों की रंगदारी मांगी गई। हालांकि पुलिस अभी तक एक डॉक्टर को धमकी मिलने की पुष्टि कर रही है, लेकिन अंदर खाने अन्य दोनों डॉक्टरों ने भी पुलिस से संपर्क साधा है। मसूरी में ITBP की महिला बॉक्सर से दुष्कर्म, तो मसूरी स्थित ITBP अकेडमी में तैनात महिला बॉक्सर के साथ उसी के साथी ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पहले अकादमी के अफसरों को सूचना दी, लेकिन कई दिन तक कार्रवाई नहीं होने पर मसूरी कोतवाली में साथी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर सकती है। ट्रेन में चादर कंबल अभी नहीं मिलेंगे, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण रेलवे सोच समझकर ट्रेनों में यात्रियों को बेड रोल मुहैया कराने के बारे में फैसला करेगा। जलवायु परिवर्तन समय से 2 महीने पहले खिल गया बुरांस, सामान्य तौर पर जनवरी के अंतिम सप्ताह में खिलने वाले बुरांस के फूल इस बार करीब 2 महीने पहले ही खिल गए हैं। दून में विदेश से लौटे 222 लोग लापता, तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देहरादून में विदेश से लौटे लोगों ने सिस्टम की चिंता बढ़ा दी है। देहरादून में पिछले 40 दिन में लौटे 224 लोग लापता हो गए हैं। मसूरी और लाहौरी एक्सप्रेस में टिकटों की जनरल बुकिंग शुरू, तो दून में पुरानी दिल्ली के बीच चलने वाली मसूरी एक्सप्रेस और देहरादून से अमृतसर वाया चंडीगढ़ के बीच चलने वाली अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस में शुक्रवार से जनरल टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है।
मसूरी में जाम लगने से रेंगते रहे वाहन। सस्ते किराए पर फ्लैट लेने को 40 ने किया आवेदन, तो नगर निगम के अंतर्गत रामनगर मलिन बस्ती में BSUP के तहत बने फ्लैट किराए पर लेने के लिए अभी तक 40 आवेदन आ चुके हैं। मसूरी में दुष्कर्म की जांच को महिला दरोगा ही नहीं तो उत्तराखंड पुलिस के बड़े अफसर समय समय पर दावा करते हैं कि देहरादून जिले के सभी थानों में कम एक महिला दरोगा तैनात रहेगी। जिस जिले में पुलिस मुख्यालय आता है उसी मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित मसूरी थाने में इस दावे की पोल खुल गई है। दून में सिपाही की कार की टक्कर से युवक की मौत, तो ओल्ड मसूरी रोड पर पुलिस के सिपाही की बेकाबू कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटर सवार युवक की मौत हो गई, दूसरे को मामूली चोट आई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों को दून बुला लिया गया है। अधोई वाला में फ्लैट बेचने के नाम पर 70 लाख रुपये हड़पे गए हैं। अवैध निर्माण वैध कराने की समय सीमा बढ़ेगी, तो दून में MDDA के तहत अवैध निर्माण वैध कराने की समय सीमा बढ़ेगी। ऐसे भवन मालिकों को MDDA कंपाउंडिंग के दायरे में लाने का प्रस्ताव शासन को भेजने जा रहा है। पासिंग आउट परेड के लिए IMA तैयार, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। दोपहर में भी ट्रैफिक डाइवर्ट, तो राष्ट्रपति शनिवार सुबह IMA परेड में रिव्यूइंग अफसर होंगे। IMA में POP चलने के दौरान इस क्षेत्र में ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। सुबह 5 बजे से आयोजन समापन तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। इस राजभवन में वहां जाएंगे, इसलिए मार्ग पर सुबह जाने और दोपहर को लौटने के वक्त ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। पुलिस वालों का 1 करोड़ का बीमा निःशुल्क करेगा SBI, तो SBI की ओर से पुलिस कर्मियों को 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 1 करोड़ रुपए का वायु दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही पुलिसकर्मी 2 महीने के वेतन के बराबर कम ब्याज पर बैंक से ऋण ले सकेंगे। DBS में 44% छात्रों की आंखें कमज़ोर मिली, तो पिछले करीब 1.5 साल से लगातार हो रही ऑनलाइन पढ़ाई का विद्यार्थियों की आंखों पर भी असर पड़ रहा है। DBS कॉलेज में शुक्रवार को हुई छात्रों की जांच में ये चिंताजनक तथ्य सामने आया है। शिविर में जांच कराने वाले छात्रों में से करीब 44% की आंखों में दिक्कत पाई गई। दून विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 15 को होगा। मंत्री ने शिक्षक नेता को डांट कर भगाया फिर पुचकारा, तो तबादलों की सिफारिश और नियमितीकरण को लेकर के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुक्रवार को तीखे तेवर दिखाए। अशासकीय स्कूल शिक्षकों के प्रतिनिधियों के बार बार मुलाकात के लिए आने पर पांडे ने कसकर डांट लगाई। शिक्षा मंत्री से मिले BPED MPED बेरोजगार, तो स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के BPED MPED बेरोजगार शुक्रवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मिले। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर की खबर आई है। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षा नई टिहरी की जो प्रतीक्षा सूची यानी जो वेटिंग लिस्ट है वो अपलोड कर दी गई है। तो अपलोड की गई वेटिंग लिस्ट जो है schooleducation.uk.gov से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके आधार पर संबंधित उप शिक्षा अधिकारी के अनुमति एवं उक्त आदेश के निर्देशानुसार कार्यभार ग्रहण किया जा सकता है। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती रुद्रप्रयाग से को लेकर खबर आई है। इसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी एक शुद्धि पत्र जारी किया है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर चयन 2021 के 21 में 4 दिसंबर 2021 को प्रकाशित की गई थी। इस विज्ञप्ति में शासन के द्वारा 7 सितंबर 2021 में सिविल अपील आनंद यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य माध्यमिक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12/10/2020 के अनुपालन में MA डिग्री और MA शिक्षा छात्र के समक्ष समकक्ष माना गया है। तद क्रम में MA डिग्री धारक
अभ्यर्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के लिए उच्च विज्ञापन के क्रम में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त विज्ञापन दिनांक 4/12/2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो GRF के लिए करें आवेदन। तो GRF UGC नेट लेक्चरशिप के लिए फॉर्म निकल गए हैं, तो इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2022 है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं BSF में 72 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें SI सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। CBO के पदों पर भर्ती जल्द करें आवेदन। तो भारतीय स्टेट बैंक में SBI में 1,226 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। संविदा के पदों पर साक्षात्कार, तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 दिसंबर को साक्षात्कार होगा। हुए खबर है अगस्त मुनि से हाईवे पर पलटा वाहन, 2 लोगों की मौत। तो रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर गबनी गांव के समीप एक वाहन का ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 जिलों में 10 नए संक्रमित, 27 हुए स्वस्थ। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3 जिलों में 10 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 27 मरीज स्वस्थ हुए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 5, पौड़ी में 3, पिथौरागढ़ में 2 संक्रमित मिले। राहुल गांधी की रैली के लिए पर्यवेक्षक को सौंपी जिम्मेदारी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली रैली की सफल बनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा वार जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड से देश को मिलेंगे 43 अवसर। तो IMA के पास आउट होने वाले जेंटलमैन कैडेटों में 43 उत्तराखंड के होंगे। शनिवार को पास आउट होने जा रहे हैं 319 भारतीय कैडेटों की संख्या का 14% होगा। 70% विधायक करोड़पति, 23% 12वीं तक ही पढ़े। तो ADR ने जागरूकता अभियान में मतदाताओं को बताया 50% के खिलाफ मुकदमे। वहीं खबर यह, देहरादून से सिपाही की कार की टक्कर से होटल कर्मचारी की मौत हो गई। 21 माह बाद 2 ट्रेनों में यात्रियों ने किया जनरल कोच में सफ़र। पर्यटकों के लिए 13 को खुलेगा FRI। तो वन अनुसंधान संस्थान परिसर में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। कोरोना को लेकर के स्थितियां सामान्य होने पर FRI कैंपस को 13 दिसंबर से दोबारा पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। CDS रावत के नाम पर होंगे गेट और सड़कें। तो नगर निगम प्रशासन ने देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर नगर निगम के मुख्य गेट के साथ ही कुछ सड़कों का नामकरण करने की तैयारी की है। अनन्या, अर्चा और प्रगति अगले राउंड में। तो UTT राष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप में सीधे सेटों में दर्ज की जीत। 15 से शुरू होंगे 9वीं और 11वीं कक्षा के पंजीकरण। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 15 दिसंबर से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हृदय सुमन विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ AVP का प्रदर्शन। तो MCOM में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों ने श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोतीचूर में युवक का शव मिला। तो हरिद्वार देहरादून हाईवे स्थित मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे पुलिस को एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। आर्मी अफसर बनकर खाते से उड़ाए 97,000 रुपये। गुस्साए बेरोजगार 16 को करेंगे CM आवास कोच। उत्तराखंड में पिछले 7 साल से रुकी पुलिस भर्ती से गुस्साए बेरोजगार 16 दिसंबर को CM आवास कोच करेंगे। बेरोजगारों ने 6 दिसंबर को भी CM आवास कोच किया था। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम गंडवाल ने कहा कि बीते सप्ताह किए CM आवास कोच के दौरान मजिस्ट्रेट ने आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी से फोन पर बात, 24 घंटे के बाद पुलिस भर्ती पर संवाद जारी कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी आयोग ने न संवाद जारी किया और न ही विज्ञप्ति जारी हुई, जिससे गुस्साए बेरोजगारों ने एक बार फिर CM आवास कूच करने का निर्णय लिया है। वहीं खबर 44 से मार्गों के निर्माण के लिए धरना शुरू हुआ। 16 को बंद होंगे आदि बद्री मंदिर के कपाट।
हुए खबर है, देवाल से दुकान का ताला तोड़कर हजारों का सामान चुराया गया। विजय दिवस पर शहीदों के आश्रितों को करेंगे सम्मान, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। जुलाई में पूरे हो जाएंगे केदारनाथ के दूसरे चरण के पुनर्निर्माण के कार्य। वही खबर है, अगस्त मुनि से हाईवे पर वाहन पलटा, दो लोगों की मौत हो गई। खबर है, नरेंद्रनगर से नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को भेजा जेल। वही खबर है, तेरी से ट्रक खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। पौड़ी से खबर है, हिलता हुआ दांत मुंह में छोड़ा, सही निकाल दिया तो बच्ची के पिता ने एमएस से शिकायत की है। प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव मामले में रिपोर्ट निपटाने के निर्देश, तो हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट फर्म एंड सोसाइटी के दिए निर्देश, 6 सप्ताह में निपटाने के आदेश दिए हैं। बात करते हैं की खबरों की, तो हाथी की चिंगाड़, गुलदार की दहाड़, जान की परवाह, तो शहर से देहात तक जंगली जानवरों का उत्पात है। हाथी आबादी में नहीं आते, हमने उनका घर कब्जा कर लिया, तो हाथियों के कॉरिडोर में आबाद हो गई हैं कॉलोनियां। पतंजलि विश्वविद्यालय में ऑनलाइन खेल कार्यशाला की शुरुआत हुई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के टॉपर को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण प्रभावित, तो नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी का कार्य बहिष्कार जारी है। वहीं हरिद्वार से खबर है, शहर के 15 पार्कों में बनेंगे ओपन जिम, लगेंगे झूले। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, दर्द से तड़पती गर्भवती को दौड़ाता रहा अस्पताल, शिशु की मौत हो गई, तो प्रसव पीड़ा से करा रही एक महिला को रामनगर सरकारी अस्पताल में इलाज न मिलने का आरोप लगा है। पुलिस ने किया दुर्व्यवहार तो कर सकते हैं शिकायत, तो एसएसपी ने एसपी क्राइम के नेतृत्व में गठित की टीम। एसपी सिटी क्राइम के मोबाइल के नंबर 9411110152 पर कर सकते हैं शिकायत। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर गए एनएचएम कर्मी, तो कर्मियों ने आपातकालीन सेवाएं भी बंद कर दी हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो लोहा घाट चंपाओं से खबर आई है, सराफा व्यापारी की दुकान में भड़की आग, तो मीना बाजार चौक से स्थित दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग पर दमकल कर्मियों ने पाया काबू। 400 से अधिक एनएचएम कर्मी हड़ताल पर कामकाज प्रभावित हुआ है। पारा शून्य के करीब, अस्पताल में ठिठुर रहे गरीब, तो पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में एक वार्ड को कोरोना रोगियों के लिए रिजर्व रखने से बरामदे में भर्ती हैं कई रोगी। वहीं खबर है, चंपावत से बाघ पकड़ने के लिए वन विभाग ने बड़ा पिंजरा लगाया। खबर है, लोहाघाट चंपावत से कन्या धन के लिए प्रदर्शन, आपका समर्थन, छात्राओं ने दिल्ली के करोल बाग में विधायक विशेष रवि को अपनी पीड़ा बताई। अमोड़ी में ब्रेक फेल, होटल में घुसी कार, तो 3 लोग मामूली रूप से चोटिल, पिथौरागढ़ से लखनऊ जा रहे थे कार सवार। सीएम के पीआरओ के नाम से अफसरों को लिखा पत्र, चालान निरस्त करें, ऑनलाइन ठगी करने वाला दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। अल्मोड़ा में कोहरे ने कम की वाहनों की रफ्तार, तो नगर समेत गांव में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। बात करते धमसिंहगढ़ की खबरों की, तो सिद्धार्थगंज से खबर है, जंगल में मिला महिला का शव, तेंदुए के हमले से जान जाने की बताई गई आशंका। वही खबर है, काशीपुर से स्पा सेंटर में देह व्यापार, महिला समेत 2 गिरफ्तार, मालिक फरार, तो पुलिस ने असम से लाई गई युवती को मुक्त कराया, स्पा की आड़ में कर रहे थे लड़कियां सप्लाई। वही खबर है, किच्छा से चोरों ने काटी एटीएम की दीवार, पुलिसकर्मी एक साइन पर ले सकेंगे 2 माह का एडवांस वेतन, तो बैंक में एक साइन पर अब पुलिसकर्मियों को 2 महीने का वेतन एडवांस मिल सकेगा। पिथौरागढ़ में अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी है। वहीं बनबसा में मास्क बगैर घूम रहे 19 लोगों का चालान किया गया। सिलगुर देवता ने वाणाधार प्रवास के लिए प्रस्ताव किया, तो त्यूनी से खबर आई है। वहीं आसन झील में 41 प्रजातियों के 4,250 प्रवासी परिंदे पहुंच गए हैं। भाजपा की 18 दिसंबर से शुरू होगी विजय संकल्प यात्रा। कोटेश्वर नहीं जाने दिया अस्पताल का सामान, तो रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल की ब्रांचों की शिफ्टिंग कोटेश्वर अस्पताल में करने का विरोध जारी किया।